गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे। आज मैं हूँ साई सर्विस वाकड़ेवाड़ी, बजाज का सबसे बड़ा शोरूम। एंड मेरे साथ है पल्सर NS 160। इसमें कुछ नए कलर्स आए हैं, नए फीचर्स आए हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आपको मैं बाइक के स्पेसिफिकेशंस बताऊं, उसके पहले मैं आपको कलर का कुछ क्लैरिफिकेशन बताना चाहता हूँ। बजाज ने दो नए कलर्स लॉन्च किए हैं। ये पहले ब्लैक आता था 160 में, आपको वेबसाइट पर भी दिखेगा, फीचर्ड है और लिस्टेड है। वाइट भी लिस्टेड है, फीचर्ड है, बट बजाज ने अभी ये जो 200 में दिख रहा है आपको, अभी ये सेम आपको 160 में ये ग्रे मिल जाएगा और ये काफ़ी सुंदर कलर है। सेम वे आपको ये जो रेड कलर है ये भी अभी मिल जाएगा। अभी वेबसाइट पे ये लिस्टेड नहीं है, बट सून इट विल बी लिस्टेड। शायद मेरी वीडियो लाइव हो जाए तब तक आपको दिख जाएगा। तो बात करते हैं अभी 160 की। सो इस 160 में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नया क्या है। आपको अभी USG फोक्स मिलने वाले हैं इसमें, ओके। जो सेम NS 200 पे आते हैं वो सेम आपको 160 में मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक गियर इंडिकेटर मिलने वाला है, प्लस यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी बताने वाला है आपको अभी से ये। सो आप के टैंक में कितना फ्यूल है, अभी वैसे तो 12 लीटर की टैंक है, लेकिन उसमें से आप कितना चला पाओगे तो टेंटेटिव आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वहाँ पे दिख जाएगा। सो और एक नई बात बतानी है, दिस बाइक्स आर नाउ E20 फ्यूल कंपैटिबल। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास अगर E20 फ्यूल मिलने लगा है तो इस बाइक में आप स्ट्रेट अवे यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें E20 ही यूज़ करना है, आप अगर आपके पास स्पीड पावर या फिर नॉर्मल कोई और फ्यूल भी मिल रहा है तो भी इसमें चल जाएंगे, इसको कुछ इशू नहीं आएगा, स्ट्रेट अवे आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस की, ये NS 160 ऑब्वियसली 160 cc है और आपको पावर फिगर जो है वो है 12.7 किलोवाट का मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 9000 RPM पे। और जो टॉर्क फिगर आपको मिलेगा 14.6 Nm एट 7250 RPM। और इस बाइक में अभी ड्यूअल चैनल ABS स्टैंडर्ड आने लगा है, तो सेफ्टी वाइज ये काफ़ी अच्छा फीचर है। प्लस जो डिस्क की साइज़ है ये अभी 300 mm की है एंड पीछे आपको मिलेगी 230 mm। छोटी डिस्क रहती है हमेशा पीछे, बैक साइड पे छोटी डिस्क रहती है, बट ब्रेकिंग आपको इससे काफ़ी अच्छा मिलेगा। फ्रंट पे मैंने आपको बताया तो सही कि USD फोक्स है, बट पीछे आपको नाइट्रॉक्स एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये सेंटर पे है, सॉफ्ट मतलब नॉर हार्ड नॉर सॉफ्ट पे है, तो आप इसको लेफ्ट या राइट एडजस्ट कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर राइड्स। अगर ख़राब रास्ते पे जा रहे हो तो आप सस्पेंशन वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाएगी 100, 80, 17 इंच। टायर जो है फ्रंट पे यूरोग्रिप है एंड ATT 625। टायर का साइज मैंने आपको बता दिया 100, 180, 17 इंच। एट दी बैक साइड देख लेते हैं कौन सा टायर है, इट इज ATT 925। एंड टायर साइज जो है वो भी लिख आता हूँ 130, 70, 17 इंच। ऑफकोर्स मैगवील्स फ्रंट एंड रेयर पे स्टैंडर्ड है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 170 mm मिल जाएगा आपको, NS 200 से 2 mm ज़्यादा है, बट अगेन इट इज़ गुड फीचर ताकि आप ऑफ रोड्स, बैक रोड्स या फिर यू नो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स से आराम से पास कर सकें। एक्सेसरी वाइज आपको एक्सेसरीज और बाकी फीचर्स वाइज आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं, मिरर्स आपको ऑब्वियसली मिल जाते हैं, क्रैश गार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। बाइक में किक भी आती है, NS 200 में किक नहीं आती है। पीछे आपको टायर हगर मिल जाएगा जिसकी वजह से चिखल मड वगैरह ऊपर आपके यू नो रेयर पिलन सीट तक ना पहुँचे। लेडीज़ फुट रेस्ट अलग से मिल जाएगा, ये भी 200 में नहीं आता है, एंड साड़ी गार्ड अलग से मिल जाएगा। साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, ये सब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। कुछ ऑयल कूल्ड है, तो यहाँ पे छोटा सा एक रेडिएटर दिया हुआ है, आपको यहाँ से दिख पाएगा, ये रेडिएटर की फिन्स देख रहे हैं। इसमें ऑयल कूल करने के लिए रेडिएटर है। हेडलाइट आपको हैलोजन दिया हुआ है एंड AOH हेडलाइट है, ऑलवेज ऑन हेडलाइट। तो जैसे आप बाइक स्टार्ट करोगे आपका हेडलाइट ऑन हो जाएगा, ओके। हेडलाइट ऑन हो जाएगा, अपर डिपर आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। यहाँ से आप चेंज करोगे तो अपर डिपर हो जाएगा। पास का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। दो छोटे DRLs दिए हैं, वो भी हैलोजन में है, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। एंड हैलोजन इंडिकेटर्स दिए हैं, क्लियर लेंस इंडिकेटर है, बट ऑरेंज बल्ब दिया है अंदर जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। और इस तरह की कुछ आपको टेल लैम्प मिल जाती है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर 200 की तरह ही है। एंड अब बात करते हैं इंडिकेटर की, सेम लाइक NS 200, सेम स्विच, ओके, ऑन ऑफ। एंड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इंडिकेटर ऑन है तब,
इंडिकेटर ऑफ ये दबाने से हो जाएगा। ये कुछ है इसका हॉर्न, यहाँ पे इंजन का किल स्विच, आरपीएम लिमिटर सेम लाइक 200 आरपीएम आपका कितना है वो यहाँ पे बताएगा स्पीडो में। फ्यूल गेज यहाँ पे है, बजाज का लोगो यहाँ पे आ जाएगा। आपका बैटरी का इंडिकेटर यहाँ पे है, कुछ बैटरी में फॉल्ट हो जाता है तो यहाँ पे बताएगा। अब जब हाई बीम दोगे या फ्लैश दोगे तो यहाँ पे लाइट शुरू हो जाएगी। ये बाकी आपके ऑयल और प्रेशर गेज के इंडिकेटर्स हैं। डिस्टेंस टू एमटी आपको यहाँ पे बॉटम में दिख जाएगा, जो कि आप आई थिंक ये ऑन करना पड़ेगा, या डिस्टेंस टू एमटी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी आप इससे एडजस्ट करके ओडोमीटर, ट्रिप मीटर 1, ट्रिप 2 सब देख सकते हैं। ये आपका स्पीडो है, यहाँ पे टाइम यहाँ पे आपको दिख जाता है, गियर इंडिकेटर आपका यहाँ पे कॉर्नर में है, और ABS की लाइट यहाँ पे है। जैसे आप चलाना शुरू कर दोगे ये लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर NS200 की तरह इसमें भी आपको ग्रिप वाली टेक्सचर्ड सीट कवर दिया हुआ है, तो ग्रिप आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगेन सीट की लेंथ भी काफ़ी बड़ी है, लॉन्ग राइड्स में अगर आपको जाना है तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा। इवन पीछे की सीट काफ़ी बड़ी और अच्छी है। अब इसको मैं आपको साइड स्टैंड से उतार के दिखाता हूँ कि मेरी हाइट 5'10" है और मेरी हाइट के लिए कितना कंफर्टेबल है। सो आई कैन ईजिली फ्लैट फुट, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 5'6" के आसपास भी हैं तो आप टिपटो करके आराम से गाड़ी को बैलेंस कर पाएंगे। अगला फीचर एक चेक करते हैं कि साइड स्टैंड पे बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। साइड स्टैंड मैंने नीचे कर दिया है, यहाँ पे साइड स्टैंड की इंडिकेटर भी आ गई है कॉर्नर में। अगर आप देखें तो यहाँ पे एकदम कॉर्नर में टाइम के ऊपर दिख रहा है। तो स्टार्ट करता हूँ, बाइक स्टार्ट हो जाती है, एंड जैसे मैं गियर में डालता हूँ बाइक बंद हो जानी चाहिए, और ये बंद हो गई। स्टैंड अगर गलती से नीचे रह गया है और आपने गियर डाल दिया है तो बाइक बंद हो जाएगी। ये काफ़ी एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, जिसकी वजह से मैंने देखा है काफ़ी लोग साइड स्टैंड नीचे करके साइड स्टैंड नीचे रहता है, बात करते करते आप निकल जाते हो और आपका ध्यान नहीं रहता, और जब टर्न आता है तब साइड स्टैंड अटक के आप गिर जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है कि बाइक स्टार्ट नहीं होगी, या फिर गियर आपने डाला है और साइड स्टैंड नीचे है तो बंद हो जाएगी। तो अब इसका एक छोटा सा टेस्ट राइड लेते हैं, एनवीएच लेवल्स चेक करते हैं और बेसिक ब्रेकिंग और सस्पेंशन कैसा है वो चेक करते हैं। काफ़ी सुंदर स्टार्ट है इसका, मतलब स्टार्ट होते ही कुछ कहीं बज नहीं रहा है, कुछ कहीं वाइब्रेट नहीं हो रहा है, पैनल नहीं बज रहा है। अब थोड़ा सा रेस करता हूँ, अभी भी किधर भी कुछ पैनल बिनल बज नहीं रहा है, वाइब्रेशन नहीं है। बजाज हैज़ रियली टेकन केयर ऑफ दी NVH लेवल्स। एंड ये गया फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर डालते ही फर्स्ट इंडिकेटर बताने लगा, और ट्रांसमिशन भी फर्स्ट गियर काफ़ी क्रिस्प और सॉफ्ट गया है। पिकअप भी काफ़ी अच्छा है बाइक का, ऐसे लग नहीं रहा है कि हम छोटी बाइक चला रहे हैं। ओह नाइस ब्रेकिंग। इंजन थोड़ा सा ऐसे लाउड लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली 160 है, और मैं उसको थोड़ा और भगाने की कोशिश कर रहा हूँ लाइक 200। ये 160 है तो इट इज़ मोर टूवर्ड्स कम्यूटिंग एवरी डे यूज़ एंड नॉट लाइक 200 वेयर इट हैज़ गॉट मोर पावर एंड इट कैन बी यूज ईजिली फॉर टूरिंग। ऐसा नहीं है कि इस पर टूरिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग छोटी बाइक्स पे भी टूरिंग करते हैं एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर दैट टू। सो ब्रेकिंग वाइज, सस्पेंशन वाइज परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है 200 की जैसे सस्पेंशन। बाकी पूरा सब कुछ सेटअप सेम है, टायर का सेटअप ऑलमोस्ट पूरा सेम है, बाइक के डायमेंशंस ऑलमोस्ट 200 की तरह है, तो दिस परफॉर्म्स ऑलमोस्ट एज द सेम लेवल ऑफ 200। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ इट मोर फॉर कम्यूटिंग 160 वुड बी अ बेटर चॉइस। इफ़ यू आर लिटिल बिट इनटू ब्रेकफास्ट राइडिंग्स और लिटिल बिट मोर इनटू टूरिंग एंड ऑल, तो आप 200 चूज़ कर सकते हैं। सो पल्सर NS160 का एग्जॉस्ट नोट भी देख सकते हैं। सो अभी RPM है एट अराउंड 1500 एंड 1500 आइडलिंग पे ये साउंड है कुछ। ये है कुछ NS160 का पंची साउंड। एंड विद दैट सेड आई थिंक आई एंड द ब्लॉग यार, यहाँ पे एंड करता हूँ। आपको अगर कुछ सवाल है NS160 के बारे में, या फिर अगर आपको परचेस करना है, आप पुणे में हो तो साइज सजेस्ट के डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। सवाल आप मुझसे भी पूछ सकते हो, कमेंट्स में क्वेश्चंस डाल दो एंड आई ट्राई टू आंसर देम एट दी अर्लीस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन अ न्यू वीडियो वेरी सून। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ना भूलिए।
for you.